गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप तो सभी वन क्लास में हैं और वन क्लास में है तो ध्यान पूर्वक आप अपने विषय के यानी हिंदी विषय के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। और पाठ 6 में हमारा क्या है कि छुक छुक गाड़ी, पाठ 6 का क्या है, छुक छुक गाड़ी। गाड़ी तो देखे हैं आप लोग, गाड़ी में जैसे रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी के बारे में हम यहाँ जिक्र करेंगे। गाड़ियां कई होती है, कई प्रकार की गाड़ियां होती है, लेकिन हम यहाँ जिक्र करेंगे रेलगाड़ी के बारे में। जो आपके पाठ से दिया गया है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी आप देख रहे हैं। जैसे आप सबसे पहले क्या करें कि आप अपने, बार बार मैं बता रहा हूं इस बात को कि आप अपने कॉपी और कलम को साथ में रखें और पहले कविता को आप अपने लिए उतार लें ताकि आप बेहतर ढंग से इसको याद कर लें। याद करने में आपको एक इस तरह का खेल खेलने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि रेलगाड़ी, रेल के साथ हम खेल खेलेंगे। और कैसा खेल खेलेंगे, तो जैसे देखिए यहां आपके कविता में है कि, कविता में क्या है कि छूटी मेरी रेल, छूटी मेरी रेल, रे बाबू छूटी मेरी रेल। गा रहे हैं पीछे पीछे, आप भी पीछे पीछे गाएंगे इसको कि छूटी मेरी रेल, रे बाबू छूटी मेरी रेल, हट जाओ। हम रेलगाड़ी लेके चलेंगे, दो बच्चों को साथ में पीछे जोड़ लेंगे, समझ रहे हैं ना। अब घर पर रेलगाड़ी चलाते हैं ना, कैसे चलाते हैं, दो बच्चों को साथ में ले लेते हैं और उसके बाद रेलगाड़ी चलाते हैं। तो आप कैसे इसको चलाएंगे रेलगाड़ी को कि छूटी मेरी रेल, रे बाबू छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, हट जाओ, क्या करो भैया, हट जाओ भैया, मैं न जानू फिर कुछ भैया, हट जाओ भैया, मैं न जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल, छोटी मेरी रेल, रे बाबू छोटी मेरी रेल। बात समझ रहे हैं, यानी कि आप कैसे रेल चलाएंगे कि आप जब चलेंगे अपने आसपास, अपने घरों के पास, अपने पापा जी के पास, अपने मम्मी के पास आप रेल लेके चलेंगे, तो आप उन लोगों को जरूर हटा लेंगे अपने रेल से, नहीं तो पता चलेगा कि कहीं आपके रेल कहीं टकरा गए तो आप कुछ नहीं जानते हैं। मैं ना जानू फिर कुछ भैया, आप समझ रहे हैं इस बात को कि अगर टकरा जाएगा तो मैं नहीं जानता कैसे टकरा गया, कैसे टकरा जाएगा, तो मैं न जानू फिर कुछ भैया, छोटी मेरी रेल, मैं न जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। आपका रेलगाड़ी जो है चल कैसे रहा है, किस आवाज में चल रहा है, किस वेग में चल रहा है, तो इस वेग को चलाने के लिए आप कैसे चलाएंगे, धक 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 धक, धक 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 धक, धू 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 धू, कैसे चल रहा है आपका गाड़ी, धक 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 धक, धू 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 धू, भक 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 भक, छू 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 छू, कैसे चल रहा है आपका गाड़ी, देख रहे हैं यहां, तो धक 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 धक, धू 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 धू, भक 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 भक, छू छू, भू 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 भू, छक 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 छक, छू 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 छू, आपके रेलगाड़ी की आवाज है। आप समझ रहे हैं इस चीज को, और आपको भी ऐसे रेलगाड़ी चलाने हैं, धक 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 धक, धू 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 धू, भक 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 भक, भू 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 भू, छक 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 छक, छू 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 छू, करती आई रेल, कैसे रेल आई आपकी, इसी आवाज में करते हुए आई कि धक 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 धक, धू 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 धू, भक 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 भक, भू 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 भू, छक 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 छक, छू 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 छू, करती आई रेल, करती आई, कैसे आई आपकी रेल, तो करती आई रेल। इसको ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे और ध्यान पूर्वक इसी तरह अपने घर पर रेल चलाएंगे अपना। और आगे कैसे आपका रेल फिर चल रहा है, आपका रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी तो समझ रहे हैं बहुत हल्का नहीं होता है, बहुत भारी होता है, तो भारी होता है और कितना वजन का होता है, तो इस वजन में देखिए कि इंजन इसका भारी भरकम, इंजन कैसा है इसका, इंजन इसका भारी भरकम, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाए गम गम गम, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाए गम गम गम, धम 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 धम, कैसा, धम 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 धम, करता धम 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 धम, करता ठेलन ठेल, कैसे जाता है कि इंजन इसका भारी भरकम है, बहुत भारी भरकम है,
बढ़ता बढ़ता जाता है या धमधम करते हुए बढ़ता जाता है, धमधम करते हुए बढ़ते जा रहा है आपका रेल, और करता ठेल हम ठेल, यानी रेलगाड़ी में बड़ा भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है कि अगले लाइन में फिर आपको मिलेगा कि सुनोगढ़ ने दे दी सिटी। कैसे सिटी मिलेगा? बजेगा कि सुनोगढ़ ने दे दी सिटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सुनोगार्ड ने दे दी सिटी, गार्ड ने क्या दे दिया यहाँ, सिटी दे दिया, सुनोगार्ड ने दे दी सिटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई बीटी से बीटी, सटी हुई बीटी से बीटी, यानी एक से दूसरे लोग सटे हुए हैं, एकदम भीड़ में बने हुए हैं, और उस रेल के डिब्बे में, रेल के जो डिब्बे हैं उसमें एक से एक दबे हुए, माने इतने भीड़ मचे हुए हैं कि आगे इसमें है कि सुनोगार्ड ने दे दी सिटी, सुनोगार्ड ने दे दी सिटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई बीटी से बीटी, करती फेलम फेल, छुट्टी मेरी रेल रे बाबू छुट्टी मेरी रेल। अब इस तरह से इस कविता को आप गाएंगे अपने घरों पे भी, पहले तो इसको एक कॉपी पे उतार लेंगे आप, और इसको इसी तरह गाएंगे कि छुट्टी मेरी रेल रे बाबू छुट्टी मेरी रेल, हट जाओ भैया मैं ना जानू फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल छुट्टी मेरी रेल, धक 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 धू 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 धू, भक 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 वो 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 वो, छक 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 छू 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 छू, करती आई रेल करती आई रेल, इंजन इसका भारी भरकम, इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम गम गम, बढ़ता जाता गम गम गम, धम 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 धम, करता ठेलम ठेल, करता ठेलम ठेल, सुनोगार्ड ने दे दी सिटी, सुनोगार्ड ने दे दी सिटी, टिकट देखता फिरता टीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई बीटी से बीटी, करती पेलम पेल, छुट्टी मेरी रेल रे बाबू छुट्टी मेरी रेल। बच्चों अब इस पे हम क्या करेंगे, ये कविता को तो याद करेंगे ही, और साथ में कुछ इस पे प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्नों का उत्तर बनाकर आप अपने कॉपी पे बनाएंगे, और बनाकर क्या करेंगे कि उसको फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर सेंड करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए कि इस पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस प्रश्न को कैसे आपको बनाने हैं। तो सबसे पहले आपका एक प्रश्न है, आप इसको नोट करेंगे कि आप अपने कॉपी पे नोट करें कि पिछले पन्नों में, यानी पाठ के जो पिछले पन्ने हैं वो पिछले पन्नों में रंगों को हमें ढूंढना है, और रंगों को इस प्रकार से ढूंढना है कि रंगों की जो भी वस्तु बने हुए हैं उसके चित्रों को हमें बनाना है, कि उसके चित्र जो है उसके चित्र में कौन कौन से रंग लगे हुए हैं, किस किस रंग के चित्र हैं। तो जैसे एक बिल्ली है तो इतने सारे बिखरे हुए, यानी कि उसमें बिल्ली के बारे में देखिए कि उस रेलगाड़ी में बिल्ली भी बैठी है, और रेलगाड़ी में बिल्ली बैठी है उसमें चूहे बैठे हैं और भी जीव बैठे हुए हैं, तो इतने सारे बिखरे हुए, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए, इतने उसमें रंग बिखरे हुए हैं उसमें आपको कौन सा चाहिए। तो देखिए एक बिल्ली है, बिल्ली को क्या चाहिए, तो लाल रंग चाहिए उसमें, बिल्ली जो है बिल्ली को कौन सा रंग चाहिए, लाल रंग चाहिए। और एक और बिल्ली है जिस बिल्ली को क्या चाहिए कि उसको हरा रंग चाहिए, और एक और बिल्ली है मुझे कौन सा रंग चाहिए, बिल्ली को क्या कर रही है कि मुझे पीला रंग चाहिए, और एक और बिल्ली है जिसके लिए क्या चाहिए तो काला रंग चाहिए। तो खैर इसमें हम पुस्तक को देखेंगे तो उसमें रंगों का हम अध्ययन कर लेंगे कि रंगों का अध्ययन किस प्रकार है, लेकिन आपको कुछ सवाल बनाने हैं कि इसमें नाम बताना है। तो सबसे पहले नाम बताने के लिए एक रेलगाड़ी का तस्वीर बनाया गया है, और रेलगाड़ी का तस्वीर बना के वहां डैश दिया गया है, और डैश देने के बाद आप क्या करेंगे कि वहां रेलगाड़ी लिखेंगे। उसके बाद एक झंडे का तस्वीर बनाया गया है, और झंडे के तस्वीर के साथ आपको लिखना है कि वो झंडा है, झंडा तो समझ रहे हैं ना, झंडा का तस्वीर कैसे होगा। तो आप रेलगाड़ी की एक तस्वीर बनाएंगे और रेलगाड़ी लिखेंगे, एक झंडे का तस्वीर बनाएंगे और वहां झंडा लिखेंगे, और एक रेलगाड़ी का पटरी का तस्वीर बनाया गया है, पटरी समझते हैं ना, रेलगाड़ी जिस पे चलती है वो पटरी है, तो पटरी का एक तस्वीर बनाना है और वहां पे रेलगाड़ी की पटरी लिखना है। इतना समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद देखिए कुछ कविता के लाइन को पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए आपको नोट करना है कि पूरा करो, तो पूरा करो में जैसे कविता में दिया गया है कि पूरा करो, तो छुट्टी मेरी रेल रे बाबू छुट्टी मेरी रेल, यानी कि छुट्टी मेरी रेल रे बाबू करके डैश डैश दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि वहां क्या छूटा हुआ है, तो क्या छूटा है इसके लिए आपको कैसे निकालना है कि छूट जैसे है ना कि
छोटी मेरी रेल रे बाबू, यहां तक दिया है, इसको डेडेस में दिया है, इसको आप भर लेंगे, ठीक है, भरा जाएगा इतना, छोटी मेरी रेल रे बाबू, छोटी मेरी रेल। और दूसरा इसका दिया है कि सुनोगाड़ ने दे दी चिट्ठी, सुनोगाड़ ने दे दी चिट्ठी। इसके बाद डैश डैश दिया है तो इसको भरेंगे आप, इतना कोई पूरा भरेंगे, समझ रहे हैं, इतना को भरेंगे कि सुनोगाड़ ने दे दी चिट्ठी, टिकट देखता फिरता टिटी, सटी हुई बीटी से बीटी, करती पेलम पेल, छोटी मेरी रेल रे बाबू, छोटी मेरी रेल, ठीक है। इतने ही सवाल आपको बनाने हैं और आप इसका फोटो लेके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्या करेंगे, सेंड करेंगे, मैं आपके इस प्रश्न के उत्तर का इंतजार करूंगा। अगर आप नहीं बनाएंगे तो मैं फोन से आपके पास संपर्क जरूर बनाऊंगा कि आप नहीं पढ़ रहे हैं, और आप ज्यादा घूमना फिरना बंद कर दें, बिल्कुल घर में बने रहें, घर में रहें और घर में रहकर अपने कार्य को पूरा करते रहें। तब तक के लिए बच्चों, बाय।